कभी भूत प्रेत वगैरह देखा है? आपने देखा है? कहाँ पे? पीछे की तरफ में। अच्छा, कैसा? ब्लैक कपड़ों में। ब्लैक कपड़ों में आपने कभी नहीं देखा? अच्छा, आप रात में आए हो कभी यहाँ? दोनों में से कोई नहीं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ लुथियान सिमेट्री, दिल्ली की टॉप हॉन्टेड सिमेट्री और दिल्ली की सबसे पुरानी सिमेट्री के बीचों बीच। आप ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। ये दिल्ली की सबसे पुरानी सिमेट्री है और लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी सिमेट्री है ये। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे किसी सर निकोलस की आत्मा भटकती है रात में। खैर, दिन में तो मैं इसलिए आया हूँ ताकि दिन में ज़्यादा अच्छे ढंग से इस जगह को जाना जाए, ताकि रात में अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँगा मैं इसे। कहा गया है कि सन 1800 से पहले के वक्त में यहाँ पे ये मुस्लिमों का कब्रिस्तान होता था, और अंग्रेज़ों ने जब इंडिया पे अपना पूरा पकड़ बना ली तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी मुस्लिम कब्रें थी वो सारी खुदवा दी, हड्डियाँ तक उसमें से निकलवा दी और उसको क्लीन करके और अपना क्रिश्चियन सिमेट्री इसको बना दिया। तो ये लगभग 200 साल पुरानी है और फ़िलहाल यहाँ लगता है कि मेंटेनेंस का भी बहुत बुरा हाल है। आगे के तो कुछ ठीक हैं लेकिन काफ़ी बुरे हाल में है ये। अगर इसका मैं मेन नज़ारा आपको दिखाऊं तो ये किस तरह से दिखता है आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये कश्मीरी गेट की एंट्री है। मैं तो दीवार फाद के आया हूं, वैसे कुछ लोग नीचे से भी निकल आते हैं जो आना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखिए, एंटर करते ही ये बोर्ड मिलेगा और बहुत ही पुराने ज़माने का दिखने वाला ये पीपल का नहीं बरगद का पेड़ है। पेड़ तो बहुत सारे हैं अंदर, लेकिन क्लासिक पेड़ हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह के क्लासिक पेड़ हैं यहाँ पे जगह जगह। सामने यहाँ ऊपर से ट्रेन्स जाती हैं। मैं जो कुछ सिमेट्रीज में पहले जा चुका हूँ वो सिमेट्रिकली होती हैं। यहाँ पे सारी जो कब्रें हैं उनका साइज़ डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट साइज़ की है, और अगर हम इधर देखें तो ये दो एक तरह की हैं और पीछे उसके डिफरेंट है। ये कुछ ऊंची वाली है और ये कुछ डिफरेंट शेप में है। ये कॉमन सी शेप लग रही है, ये कुछ डिफरेंट हैं, ये देखेंगे हम। इन पे किसी तरह का कोई मार्क नहीं है, ये दोबारा से बनाई गई लग रही है, मीन्स इसको रिपेयर किया गया। तो इन पे जो लिखा होता था वो है तो सही, लेकिन रीडेबल नहीं है ये सब। बहुत ही खस्ता हाल है भी 200 साल पुरानी।
वैसे तो यहाँ पे जो ये कब्रें हैं, इन कब्रों के सिवा एक ये अजीब सा स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है। ये भी शायद किसी की कब्र है या एक रूम जैसा दिख रहा है। अगर इसको देखें हम तो ये कुछ स्पेशल ही है। कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है। और अगर इस पे हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये किसी की छोटी बेटी है। अप्रैल 1857 में इसकी डेथ हुई थी। 6 साल का बच्चा है ये गर्ल। और अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो अनरीडेबल। ये बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मुझे एक ही चीज़ यहाँ बहुत डिफरेंट लग रही है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं। कोई गोल है? अब इसका क्या रेलेवेंस है ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है कहीं भी। कोई गोल है, कोई सीधा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये काफ़ी बड़े साइज की, ये इनके टूटे हुए स्ट्रक्चर्स। ये अभी लेटेस्ट रिपेयर किया हुआ लग रहा है। ये भी कुछ डिफरेंट है, इस पे मेंशन है जॉर्ज नाम लिखा, इंटेंशन ऑफ हैरी। कुछ लगभग 2 महीने में डेथ हो गई, कोई बच्चा है। वैसे यहाँ के बारे में 3 डिफरेंट स्टोरीज मैंने सुनी है। जो ये सबसे पहली इनके सर निकोलस वाली है, उसमें ये कहा गया है कि जो सर निकोलस थे उनको किसी इंडियन लड़की से प्यार हो गया था, और वो उस इंडियन लड़की की कहीं और शादी हो गई। उस चीज़ से दुखी होकर उन्होंने अपने सिर पे गोली मार ली और उनको यहाँ दफनाया गया। तो अब बोलते हैं कि अब उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती है, और रात को लोगों ने देखा है काफ़ी दुखी आवाज़ में वो उस लड़की को आवाज़ लगाते हैं। और आवाज़ में नाम क्या लेते हैं ये मैंने अभी काफ़ी लोगों से पूछा, तो टीना नाम बताया जा रहा है। सिबिट्री से बाहर आ गया हूँ, अब थोड़ा डिनर वगैरह करके रात में 11 बजे के करीब वहाँ जाऊँगा। तब तक रामलीला भी देख लूँगा थोड़ी बहुत। रामलीला की झांकियाँ आ रही हैं सामने।